नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, मैं 15 साल की हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय है। मुझे डांस करने का बहुत शौक है। मैं डांस के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ। मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। मुझे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने का भी शौक है। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारे स्कूल में 15 अगस्त था तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरा नाम मीना है, मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ और मैं अंजलि की मासी लगती हूँ। वैसे तो बेसिकली मतलब मासी हूँ, ताई भी बोल सकते हो, बट मासी लगती हूँ। अंजलि मतलब डांस में ठीक है, अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है और पढ़ाई भी उसकी अच्छी है, राइटिंग में भी बहुत अच्छी है। वैसे ड्राइंग वगैरह भी करती रहती है, डांस पार्टिसिपेट भी करती है, ऐसी कोई बात नहीं। पर हर चीज़ में ठीक है बच्ची, पर मैं चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़े। वो 5th राउंड में गई है तो मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े और खुश रहे। KKHD के उनका भी धन्यवाद करती हूँ, उनने बच्ची को मौका दिया आगे बढ़ने का, बहुत मतलब उसका साथ दिया है, उसको काफ़ी वो किया है, तो मतलब जो भी है आगे को बढ़ने का उसको काफ़ी वो कर रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़की आगे बढ़े और बाकी उसके मम्मी पापा को उसका साथ सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करते हैं और आगे सपोर्ट करें तो अच्छा निकले, अच्छी तरह अपना वो करें। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी इसके सिवा नमस्कार, मेरा नाम रेनू है, हम उत्तराखंड से हैं। मेरी बेटी का नाम अंजलि है, मेरी बेटी है, और डांस में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, राइटिंग में भी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है, और बाकी ज़्यादातर डांस का ही शौक है बचपन से। घर में रहती है तो पढ़ाई, ज़्यादातर पढ़ाई करना है, कभी मेरा हाथ बटा लेती है काम में, बस ज़्यादातर पढ़ाई वढ़ाई में ही रहते हैं, कभी डांस वांस में
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि फाइनल जीत के आए और मेरी बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए। मुझे KKSD के बारे में हमारे स्कूल से पता चला। एक बार हमारे स्कूल में वहाँ से टीम आई हुई थी, उन्होंने हमें फॉर्म दिया तो हमने फॉर्म भरा और मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। मेरा फर्स्ट राउंड मोहाली में हुआ था और सेकंड भी मोहाली में ही हुआ था और मैंने ऐसे करके 4 राउंड क्लियर किए, फाइनल राउंड में पहुँच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मैं फ़ाइनल जीत के आऊँ, अपने मम्मी पापा, अपने गाँव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। नमस्कार, मैं मोनिका हूँ, अंजलि मेरी कज़न सिस्टर लगती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो इस शो में गई, काफ़ी अच्छा वो डांस करती है। जब वो डांस करती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं उससे सीखूं, डांस करूं। डांस के साथ साथ वो स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम काफ़ी टाइम साथ में भी स्पेंड करते हैं, जैसे कभी कुछ अपनी हॉबीज़ कर लेना, साथ में खेल लेना, घूम लेना। और मैं उसको बेस्ट विशेस देती हूँ कि वो अच्छे से उस शो में परफॉर्म करके आए, अपना बेस्ट दे के आए और अगर वो जीतेगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू। एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं
शारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने आवश्यक ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अमलों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिखा है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब शारकीय प्रतीक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं शारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज एवं फिनाइलिन संश्लेषित का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं शारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद करते हैं अपने मम्मी पापा का जो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
थैंक यू करती हूँ वरुण सर का और KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।